नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन पार्ट 4। सबसे पहले दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा इंट्रोडक्शन क्लास ज़रूर देखिए, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से आप वीडियो को देखिएगा, ताकि जो भी मैंने बेसिक्स बताए हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि भविष्य में यदि आप किसी एग्ज़ाम में अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न मेंसुरेशन से संबंधित हो तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल और फिर है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल को हम भुजा स्क्वायर लिखते हैं, या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए से हम भुजा को डिनोट करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका भुजा स्क्वायर, और यहाँ गुना में है आपका आर स्क्वायर। तो यहाँ अगर नीचे इसके ले जाइएगा तो ये भागा में हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी आपको भुजा स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर पाई, और यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में हम एक लिख सकते हैं। इस तरह से भुजा स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर पाई बटा वन हो गया। इस तरह मैंने भुजा को बताया था कि आप ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बटा आर स्क्वायर बराबर पाई बटा वन। इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर जो है ऊपर नीचे, अगर स्क्वायर को हटाइएगा तो यहाँ ए बटा आर इक्वल टू अंडर रूट पाई बटा अंडर रूट वन हो जाएगा। ठीक है, अगर ए बटा आर में से हटाइएगा स्क्वायर को यहाँ से, तो यहाँ पे ए बटा आर अंडर रूट पाई बटा अंडर रूट एक हो जाएगा। अब आप एक का वैल्यू जो होगा उसको अंडर रूट पाई हो जाएगा, अंडर रूट पाई, और आर का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट वन होगा। तो अंडर रूट वन यानी कि एक का वर्गमूल निकालिएगा तो एक ही होगा। तो इस तरह से आपका अनुपात आ जाएगा अंडर रूट पाई अनुपात एक। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का व्यास 70 cm है। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वृत्त का व्यास 70 cm है। वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना है? तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 है। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 5450 हो गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 5450। इस तरह से पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर व्यास है वृत्त का, तब वृत्त का व्यास हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 70/2 यानी 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर आपको हो गया, तो 35 हमने बैठा दिया आर स्क्वायर के जगह पे, तो 35 गुना 35 कर दिया हमने। उसके बाद भुजा स्क्वायर हो गया और यहाँ 5450 हो गया। तो 7 से अगर 35 को कटाइएगा तो 7 × 5 = 35, तो यानी कि 22 × 5 × 35 हो गया। तो इसको अगर गुना कीजिएगा 22 × 5 × 35 को, तो 3850 आ जाएगा। उसके बाद प्लस हो गया भुजा स्क्वायर बराबर 5450, तब भुजा स्क्वायर यहाँ रख दिए, भुजा स्क्वायर यहाँ ही प्लस में 3850 है, तो इसको जब इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में आपका हो गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, माइनस में आपका आ गया 3850। तो इसको घटाइएगा 5450 में से 3850 को, तो 1600 आ जाएगा। इस तरह से भुजा स्क्वायर है, यहाँ भुजा में से आप अगर स्क्वायर को हटाइएगा तो ये आपको रूट अंडर रूट 1600 हो जाएगा। अंडर रूट 1600 यानी 1600 का वर्गमूल होता है 40। तो यानी भुजा बराबर आपका आ गया 40। भुजा आपका कितना आ गया? 40 आ गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना है।
यानी वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग बताना है। तब वृत्त की परिधि अब प्लस वर्ग की परिधि हो गया। तब वृत्त की परिधि क्या है? 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr ना होता है, तो 2πr हो गया। अब प्लस हो गया यहाँ पे, तो प्लस के प्लस हमने लिख दिया। अब वर्ग की परिधि यानी वर्ग के परिमाप के फॉर्मूला होता है 4 × भुजा, तो यहाँ पे 2। अब पाई का मान हो गया आपको 22/7, आर का मान हो गया 35, त्रिज्या 35 है। अब प्लस प्लस के बाद हो गया आपको 4 × भुजा हो गया आपका 40, भुजा यहाँ दिया हुआ है ना 40, तो यहाँ भुजा 40 हो गया। इस तरह से 7 से 35 कटाइएगा तो 7 × 5 = 35, तो 22 और 2 और 5 को गुना कीजिएगा तो 220 हो जाएगा, यानी 22 × 2 = 44 और 44 × 5 = 220। अब प्लस 4 × 16 यानी कि 40 × 160 यानी 220 + 160 आ गया। अब 220 में से 160 को जोड़िएगा तो 380 सेंटीमीटर आपका आ गया वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग। तो इस तरह से आपका प्रश्न बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वर्ग की भुजा कितना है? 120 पाई है। वर्ग की भुजा 120 पाई, चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा हो गई 120 पाई। अब इस तरह से वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि, तो वर्ग का परिमाप क्यों यहाँ? क्योंकि देखिए, जो भी आपका तार बनाया गया, तार से बनाया गया है वर्ग, तो वर्ग के भुजा आपको 120 पाई सेंटीमीटर, तो यानी वर्ग का जो परिधि यानी परिमाप है वही तो हुआ आपका, वही ना हुआ 120 पाई। तो यानी कहने का मतलब है कि आगे कह रहा है कि यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए, तब वृत्त बनाया जाएगा इसी तार को मोड़कर जिससे वर्ग बना है, तो यानी कि ये वृत्त गोल होगा, तो इसका परिधि ना होगा, तो यानी कि वृत्त का जो परिधि होगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। ठीक, अब इस तरह से वर्ग का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 4 × भुजा। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। इस तरह से आपको हो जाएगा 4 × भुजा आपको आया हुआ है 22 120 पाई, चूंकि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा 120 पाई, तो 4 × 120 पाई अब बराबर 2 2πr यानी 2πr। इस तरह से पाई से पाई आपका कट गया, पाई से पाई कटा दीजिए, आई 2 से आपको 4 कट गया 2 मरत में, और इस तरह से आपको 2 से 120 को गुना कीजिएगा तो आपको 240 आ जाएगा, यानी आर का वैल्यू आपको 240 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा क्या है प्रश्न में? वृत्त की त्रिज्या तो पूछा है प्रश्न में, तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या आपको 240 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके पास कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 सेंटीमीटर 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, यहाँ कह रहा है सबसे पहले प्रश्न में कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यानी कि आयत की जो चौड़ाई है वह x है, तो आयत की लंबाई x + 23 है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है, यानी कि चारों भुजाओं का योग का मतलब क्या हुआ? चारों भुजाओं का योग का मतलब आयत के परिमाप से है, तो आयत का परिमाप आपका हो जाएगा 206। आयत का परिमाप 206। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 × L + B बराबर 206 हो जाएगा ना। आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, तो एल का मान आपका कितना हो जाएगा? x + 23। एल आपका x + 23 है, तो x + 23 यहाँ लिख दिए, और बी आपका जो है x है, तो यहाँ हमने x रख दिया, और यहाँ पे 206 पहले से है, यहाँ पे जो दिए थे वही है। अब इस 2 से 206 को हमने कटाया, 103 बार में कट गया, यानी 103 × 206। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा आपको x x को जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, और +23 हो जाएगा बराबर 103 हो जाएगा। इस तरह से 2x और ये 23 जो है प्लस में है, तो इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 103 - 23 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हो गया आपको 80, यानी 103 में से 23 घटाइएगा तो 80 हो जाएगा। अब 2 से 80 को कटाइएगा तो 40 × 80, यानी x का मान आपका कितना आ गया? 40 आ गया, x का मान 40, यानी चौड़ाई आपका 40 हो गया, x का मान 40 माने चौड़ाई 40,
अब लंबाई निकालना है, तो लंबाई में एक्स का मान आप रख दीजिए, तो एक्स प्लस 23 लंबाई है और एक्स का मान 40 आया है, तो 40 प्लस 23 यानी 63 लंबाई है और चौड़ाई 40 है, 63 लंबाई और चौड़ाई 40। यानी अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आयत का? आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। तो एल का वैल्यू आपको पता है 63, आप बी का वैल्यू आपको पता है 40। तो 63 से 40 में गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो 2520 आ गया। 2520 मीटर स्क्वायर जो है इस आयत का क्षेत्रफल है। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसके बाद। तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगर बेसिक चीज़ें आपका क्लियर है, अगर अच्छे से आप बेसिक चीज़ों को जानते हैं, तो आप किसी भी तरह के प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए धन्यवाद, अलविदा।